उत्तर प्रदेश में अपराध कितने अपराधी बेखौफ हैं, इसका एक और नमूना देखने को मिला है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल पर मिर्ची पाउडर से हमला कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, इलाज अभी भी इनका चल रहा है, लेकिन किस कदर यहां उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है और पुलिस का कोई खौफ नहीं है, ये तस्वीर सामने आई है। घटना उस वक्त की है जब विधायक अपने घर पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी बाइक पर सवार होकर कुछ युवक आए और विधायक की आंखों में मिर्ची झोंक कर फरार हो गए। विधायक की सुरक्षा में तैनात सिपाही ने भागते हुए विधायक पर फायरिंग भी की, लेकिन बदमाश भागने में फरार हुए। विधायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और यह दुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुजफ्फरनगर की एक घटना है जहां पर विधायक पर कपिल देव अग्रवाल पर मिर्ची पाउडर फेंक दिया गया। आप विधायक जी सुबह अपने आवास पर ही थे और जनता से मिल रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से वार्ता के क्रम में सुबह के वक्त में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। उसी बीच में एक कपिल, पीना का है कपिल नाम का लड़का, वो आया, कुछ देर उनके पास बैठा और फिर उसने अपने जेब से मिर्च निकाल के विधायक जी के चेहरे पर डाल दिया, जिससे आंखों में जलन और दर्द और सब चीज हुई। तो डॉक्टर ENT वाले के यहाँ उनको ले जाया गया, जहाँ उनका जो है डॉक्टर ने इलाज किया है और आंखों को ठीक बताया है। फिलहाल दर्द पेन है और कोई ऐसी रिस्क की बात नहीं है।